कराम, आप जुड़ चुके हैं अलहन के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान बाबा आदिल। नाज़रीन कराम, आज के शुमारे में हम बात करेंगे एक ऐसी डंपिंग साइट की जिसने पूरी लोलाब का जीना हराम कर दिया। उस जगह का नाम है गिरहटी बाईपास कुपवाड़ा। नाज़रीन कराम, आपको बता दें चलो कि जब से गिरहटी बाईपास वजूद में आया है तब से यहाँ पर डंपिंग साइट बनाई गई है। कुपवाड़ा टाउन से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है उसको यहाँ पर डंप किया गया है, जिससे पूरे लोलाब का जीना हराम कर दिया है। यानी कि 1 लाख की आबादी को इससे कितना खतरा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है इसको। इससे आपको बताने चलूँ कि यहाँ से हर गुजरने वाले के लिए यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आती है कि अगर कोई मरीज़ होता है, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई बचने की कोई आस होती है। इससे खाली इंसानों को, इससे खाली लोगों को खतरा नहीं है, बल्कि वाटर बॉडीज़ को भी खतरा है। नाज़रीन कराम, यहाँ से इतनी बदबू आती है, यहाँ पे सोचने वाली बात मैं आपको बता दूँ कि ये जगह आज तक गुजर क्यों है, जिंदा इतना आज तक इसके बारे में कोई नहीं करती है। कुपवाड़ा टाउन से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है आसमान तले ज़मीन पे यहाँ पे इसको बिछाया जाता है, कोई फ्यूमिगेशन नहीं की जाती उसको। बदबू इतनी आती है कि यहाँ से जीना, यहाँ से चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं बाबा आदिल आपके सामने आज ये बात जाहिर कर देना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि लोलाब के जितने भी लोलाब के रहने वाले हैं, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है, उनके बदले में आज जिला इंतजाम से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे जो म्यूनिसपलिटी कुपवाड़ा की ओर से यहाँ पे जो डंपिंग साइट बनाई गई है, इसको या तो किसी जगह पर किसी जगह पर किया जाए, या इसके लिए कोई ऐसा गड्ढा बना दिया जाए जिससे यहाँ से ये बदबू खत्म हो जाए। कोरोना वायरस ने अभी यहाँ से छोड़ा नहीं है हमें, एक बार फिर से बता दूँ, अभी कोरोना वायरस ने अभी हमें छोड़ा नहीं है। यहाँ से ये बदबू, ये डंपिंग साइट ने हमारा जीना हराम करके रखा है। मैं जिला इंतजामिया को एक बार फिर से याद दहाने के लिए बताना चाहता हूँ कि अंडर सेक्शन 27 ऑफ द नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट वेस्ट एक्ट 59 ऑफ 2008, जिसमें ये कहा गया है नो पर्सन में थ्रो ड्रॉप डिपॉजिट स्पिल और इन एनी अदर वे और एनी लिटर और एनी पब्लिक प्लेस लैंड वैकेंट स्ट्रीम वाटर कोर्स स्ट्रीट रोड और एनी प्लेस टू विच द जनरल पब्लिक हैज एक्सेस। जी हाँ, जहाँ से जिस रोड से जनरल पब्लिक का, आवाम का आना जाना है, वहाँ पे डंपिंग साइट बनाना, ये मुझे लगता है कि इस कानून की वायलेशन है। इल्तिमास करता हूँ मैं जिला इंतजामिया से कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। नाजरीन, आपको बता दें चलो कि जो भी हमें देखने वाले हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि इससे कितनी, ये जो बदबू है इस बदबू से कितनी जानों का खतरा है, इस बदबू से यहाँ से गुजरने वाले का हर शख्स। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि कमेंट में लिखिए कि यहाँ से गुजरने वाले का जो बदबू आती है यहाँ से, ये कितनी है। यहाँ पे कोई, बहुत बार आए हैं हमारे साफी और सीनियर साफी भी यहाँ पे आए थे, लेकिन आज तक इस कंपनी साइड का कोई भी एक्शन नहीं ली गई थी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जितने भी गुजरने वाले हम चाहेंगे कि हम उनसे बात करेंगे कि इस बदबू से कितना खतरा है और उनका यहाँ से गुजरने के लिए उनकी बात, उनकी रिएक्शन क्या होती है। मुश्किल गुम ये मतलब कुछ जगह ड्यूटी ना कह हॉस्पिटल गाँव तुम कूद नुकसान मतलब तुम कूद मुश्किल पकान तुम लाइक प्रॉब्लम दया वह पेट कोरोना वायरस ऑलरेडी ये सब वायरस आता अस हूँ यप ग दज गंड गाड़ मे वसान सफर कर माजन पेन सायन दज गंड हेकान यप नीर तमें बगैर बहुत डी सी सबस कर रिक्वेस्ट कि तुम वन तुम वन मौक पे तुम वन से ये हालात अगर ये इंसान पता इंसान लायक यप पकुन यह कम खतर पड़ ये बाईपास ये गई आस बिल्कुल सफाई अगर वनक सफाई से चल बोड़ बार हिंदुस्तान मज ये क्या सफाई ये लूर पसंद वे ये लोलाब वनस पूर यप सर लोलाब रोड पसंद वे यूत गंद माहौल तुम क्या कर तिंद जिंदगी कपर गुजरे
وکس یہ رکویسٹ کر میونسپلٹی کمیٹی چاہے ڈی سی صاحب تمہیں بہت اپیل کر گند یپ یپ کر ماحول گند کی